भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार हैं, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बर्तरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है इस देश में? सहनशीलता का भी एक सीमा होता है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। तो सुना आपने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है कि वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को हटाएं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हेमंत बिस्व शर्मा के राहुल गांधी पर की गई कथित टिप्पणी को बेहद ही शर्मनाक बताते हुए ये मांग की है। टीआरएस अध्यक्ष केसीआर ने सवाल किया कि क्या राजनीति में अब ये सब कहा जाएगा कि तुम अपने बाप का सबूत दो? क्या यही बीजेपी के संस्कार हैं? राव ने शर्मा के बयान के लिए उन पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी, आपकी पार्टी का एक सीएम एक सांसद से उसके पिता की पहचान के बारे में सवाल करता है, क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? क्या यही वेदों, महाभारत, रामायण और भागवत कथा में सिखाया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं डिमांड करता हूं, एक भारतीय होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। यह अच्छी बात नहीं है इस देश के लिए, यह बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? कोई नहीं लड़ सकता। भगवान किसको दो हाथ नहीं दिए? एक एमपी के बारे में, आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार हैं, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बर्तरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है इस देश में? सहनशीलता का भी एक सीमा होता है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा शुक्रवार को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। यहां एक सभा में शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तो राहुल गांधी ने इसके सबूत मांगे थे। शर्मा ने कहा कि क्या हमने कभी राहुल गांधी से सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं? आइए सुनते हैं क्या कहा था असम के मुख्यमंत्री ने। मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा सबसे, हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला भाई? प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मांगने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है, देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं।
लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं, लोग बोलता है। शर्मा के इसी बयान पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीखी आलोचना की जा रही है। मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव नीतीश गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेहद ही निंदनीय बयान दिया है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान है। उन्होंने कहा कि ऐसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जाती। ऐसे बयान पर उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तत्काल असम के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।